फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है, सुपर आइडियाज। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से भी लॉकडाउन है, तो इस टाइम पे ऐसी कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टिप्स हैं जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। बहुत सारी ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स देती हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, आप अपना, अगर आपको वीडियो अपनी स्क्रीन शेयर करनी होती है तो आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, आप अपने कैमरे को ऑन ना करके और सिर्फ अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं? बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके बाद आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इजी हो जाएगी। ये टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी हैं, लेकिन अगर आप उनको जान ले तो आप बड़े ही अच्छे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन टॉप 10 इसमें टिप्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको हर टाइम मिलती रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहले, यूज दी बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। आपको जो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है वो आपकी बेस्ट यूज करनी है, यानी कि अच्छे से अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का चुनाव करें। और वो कैसे करें, उसके लिए वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया है ऐसी कौन सी टॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स हैं जिसमें आप अपना डाटा भी सिक्योर कर सकते हैं, फीचर्स भी आपको अच्छे मिलते हैं, एनक्रिप्शन भी मिलती है, काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। तो बेस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप यूज करें जिसमें आपके फीचर्स अच्छे हों, जिसमें कि आपको बात करने में आसानी रहे, आपकी वीडियो क्लैरिटी HD क्वालिटी हो, इस तरीके के कुछ देखें फीचर्स जो आपके, जो भी आपका काम है उसको पूरा करें, जो भी आपका पर्पस है उसको पूरा करें। तो एक प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप किसको बोलेंगे, जिसमें यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो, कोई भी इंसान उसको इजिली यूज कर पाए, बेसिक फीचर्स तो हो, जैसे कि आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ जाए, चैट विंडो हो, ठीक है। इसके अलावा आप मेक श्योर करें कि लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का, एज यू मे मिस आउट, क्योंकि अगर आप जो नई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं करेंगे ना, तो कुछ आप इंपॉर्टेंट फीचर्स को मिस कर देंगे, कोई भी बग आ सकती है, उसको फिक्स करने के लिए अपडेटेड वर्जन पे थोड़ा ईजी रहता है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के बिना आपका जो मीटिंग का पर्पस है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। आपका एंड ऑफ द डे मीटिंग का क्या क्या बोला मीटिंग वाले ने, क्या था मीटिंग का पर्पस, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो एक गुड नेटवर्क कनेक्शन इज नॉट ए लग्जरी बट ए नेसेसिटी। ये एक लग्जरी में नहीं आता, लेकिन एक आजकल एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना एक नेसेसिटी है, क्योंकि आप जब भी कोई अटेंड करनी है आपने या कोई कंडक्ट करनी है आपने प्रोफेशनल मीटिंग, तो इंटरनेट कनेक्शन अगर लो बैंडविड्थ हो गई, विजुअल डिस्टर्बेंस आएगा, क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई देगी सामने वाले को, ऑडियो क्वालिटी डिग्रेड होगी, सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आवाज जो है वो आपकी ब्रेक होगी। तो ये बेसिकली क्या होगा, एक पुअर कम्युनिकेशन होगा, और जो भी आपकी मीटिंग की प्रोडक्टिविटी थी वो जीरो हो जाएगी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मीटिंग किसके लिए रखी थी और आपने क्या किया। नेक्स्ट, गेट फेमिलियर विद दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप फीचर्स। अगर आप अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप आपको यूज करनी ही है, वर्क फ्रॉम होम में भी, कोरोना वायरस लॉकडाउन में भी, उसके बाद भी आप करेंगे ही, क्योंकि उसके बाद ऐसे ही बिजनेस ज्यादा ग्रो करेंगे जो आप घर बैठकर कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम से आप कर सकते हैं। तो ऐप के फीचर्स आपको पता होने चाहिए, कैसे कैसे फीचर्स, जैसे कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप कॉल कैसे करेंगे, कैसे कोई ज्वाइन करेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस को, आप बेसिक वर्किंग क्या रहेगी ऐप की, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या फंक्शंस ऐप में, इससे आपका टाइम भी बचेगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान और आपके लिए ईजी भी रह जाएगा, यानी कि आप अपने कैमरे की स्क्रीन को, कैमरे को या ऑडियो को कैसे म्यूट कर सकते हैं, सामने वाले की ऑडियो को म्यूट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ फीचर्स हैं जो आपको जरूरी है। क्या क्या फीचर्स होते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो, HD वीडियो हो, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मीटिंग्स हो, या कितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने लोग मल्टी शेयर कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं कि नहीं, व्हाइट बोर्ड है कि नहीं, फुल स्क्रीन आप कर सकते हैं कि नहीं, गैलरी व्यू है, बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप शेयर कर सकते हैं कि नहीं, किसी सामने वाले को आप कीबोर्ड माउस कंट्रोल दे सकते हैं कि नहीं, रिकॉर्डिंग है कोई उसको प्ले कर सकते हैं कि नहीं, इस तरीके के काफी फीचर्स हैं जो ऐप में आपको देखने चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल यू शुड नो हाउ टू म्यूट और अनम्यूट ए कॉल. आपको ये तो पता ही होना चाहिए कम से कम आप म्यूट और अनम्यूट कैसे करेंगे. नेसेसरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स जैसे कि अगर आप जूम ऐप यूज करें तो आप स्पेस से आप म्यूट कर सकते हैं. तो जूम ऐप अगर आजकल जो आप देख पा रहे हैं स्कूलों में कॉलेजेस में हम वर्क फ्रॉम होम जब कर रहे हैं ऑफिस से तो सब जगह जूम ऐप ज्यादा यूज हो रही है. तो जूम ऐप के ऐसे कौन से टिप्स हैं, ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जूम ऐप में मास्टरी बनाती हैं, तो वो वीडियो भी चैनल पे है, वो भी आप जाकर देखिए. अगर आप सिर्फ जूम ऐप को यूज कर रहे हैं तो जूम ऐप सॉरी कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपको पता नहीं होने चाहिए. कैसे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए. शेयर दी प्लान विद द टीम बिफोर हैंड. आपको अपना एक्शन प्लान शेयर करना है पहले, क्या मीटिंग का एजेंडा होगा, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कितने बजे होंगी. तो ये सारी चीजें आपकी टीम को पता होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनको भी तो इंटरनेट कनेक्शन देखना है, उनको भी तो उस टाइम पे फ्री रहना है, तो सारी चीजें करनी है. तो ये एसेंशियल है कि आप अपने कलीग्स के साथ शेयर करें कि पर्पज ऑफ मीटिंग क्या है. जब आप शुरू करें उससे पहले उनको पता होना चाहिए. तो एक प्लान शेयर करें कि पीपल जो ज्वाइन कर रहे हैं उस मीटिंग को उनको पता चले कि इस मीटिंग का मोटिव क्या है. वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, कुछ नहीं तो सिंपल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप वगैरह पे गूगल हैंगआउट्स पे आप मैसेज छोड़ दीजिए ताकि उनको आइडिया तो रहे. तो आपको जो भी आपके आइटम्स होंगे जो आप डिस्कस करने वाले हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स कितने भी पॉइंट्स वो आप डिस्कस करके मेल पे डाल के छोड़ दीजिए. पंक्चुअलिटी इज द की टू सक्सेस. पंक्चुअलिटी चाहे हम नॉर्मल लाइफ की बात करें, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, ऑफिस की बात करें, किसी भी तरीके से बात करें, पंक्चुअलिटी हर एक सक्सेस की होती ही है. ये बात आपको माननी ही होगी. तो पंक्चुअलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है उनको तो आपने बता दिया कि आप इतने टाइम पे स्केड्यूल हमारी मीटिंग है, लेकिन जब भी कोई मीटिंग है आपको उससे 5-10 मिनट पहले ही ज्वाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाले जो पार्टिसिपेंट है वो भी आ जाते हैं और आपने मीटिंग स्केड्यूल कर दी, आप मीटिंग स्टार्ट होने के 5-10 मिनट बाद पहुंचे तो इट विल नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन. अगर आप पार्टिसिपेंट है तो भी आप पहले मीटिंग में पहुंचे, 5-10 मिनट पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को ज्वाइन करें. अगर आप होस्ट हैं तो भी कम से कम तो 5 मिनट पहले आप ज्वाइन करें. ठीक है, जो आपका कैमरे का लेंस है उसको आप क्लीन करें, क्योंकि क्लियर पिक्चर जाने चाहिए. आपका लैपटॉप है, वेबकैम है, मोबाइल है, जिससे भी आप कर रहे हैं मीटिंग, तो वो आपका क्लीन होना चाहिए, कोई डर्ट नहीं होनी चाहिए लेंस में. तो ये सारी चीजें हैं जो आपके ध्यान में भी रखनी है. पंक्चुअलिटी मैटर क्यों करती है, क्योंकि पंक्चुअलिटी के मतलब ऑन टाइम होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस रिस्पेक्ट एक पता चलती है, एंटीसिपेट आपके पता चलता है आप कितने डिसिप्लिन में रहते हैं. तो ये कुछ चीजें हैं जो पंक्चुअलिटी से जुड़ी हुई हैं. तो इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं जूम ऐप के थ्रू या किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के थ्रू, आप ही टाइम पे नहीं आएंगे तो चिल्ड्रन को आप क्या डिसिप्लिन सिखाएंगे. तो ये सारी चीजें आपको करनी है. वेल, If you are using a Zoom meeting for video conferencing, then don't need to worry about the background. क्या आपको पता है कि आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं जूम मीटिंग में, आप सेवरल डिफरेंट बैकग्राउंड्स यूज कर सकते हैं. आपको चीज चिंता करने की जरूरत ही नहीं है यार मेरा घर कैसा, पीछे से बैकग्राउंड कैसा दिख रहा होगा. आप सिंपली बैकग्राउंड चेंज कीजिए, आपको कोई वर्री करने की जरूरत ही नहीं है. तो माइक्रोसॉफ्ट टीम भी एक ऐसा और गूगल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जिसमें कुछ सिमिलर फीचर्स है, उसमें भी आप अपने बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं. तो काफी ऐप्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, उसमें आप सर्च कीजिए आप जो भी यूज कर रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप अगर आप यूज करें तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, जूम में कैसे करना है, वो हम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए वीडियो अपलोड हमने कर दिया, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं. आप कस्टमाइज बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं जूम में, पर्सनलाइज कर सकते हैं आपकी वीडियो कॉल की स्क्रीन को. अनदर अटेंड कर रहे हैं जो प्रोफेशनल मीटिंग या तो स्मार्टफोन से, आप स्विच कर सकते हैं साइलेंट मोड पर. ठीक है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो क्या होगा ना उससे कि कॉल की मैसेज की नोटिफिकेशन बड़ा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. रिमूव डिस्ट्रैक्शंस. जैसे मैंने आपको बताया कि आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए. इससे क्या होगा कि सामने वाले का ध्यान भी आपके बैकग्राउंड पे नहीं जाएगा. एक सिंपल सा बैकग्राउंड आप रखिए ताकि सामने वाले को भी देखने में अच्छा लगे और आपको भी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे पीछे क्या दिख रहा है. तो डिस्ट्रैक्शन आपकी रिमूव होनी चाहिए. आप मीटिंग में बैठे हैं तो आपको अच्छे से देख के बैठना है कि आप कहां पे बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रेड साइन किया, तो ये क्या, ये डिस्ट्रैक्शन है जो पीछे से आ रहा है. अगर मैं भी इस मीटिंग को देख रही हूं तो जो पीछे से आ रहा है एकदम से ध्यान वहां पर जाएगा, मीटिंग पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आप मीटिंग कर रहे हैं वो आपकी प्रोडक्टिव हो, ना कि
उसमें जो डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो, तो यू शुड मेक श्योर दैट वंस यू ऑल आर सेट फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैकग्राउंड शुड बी फ्री फ्रॉम एनीथिंग. आपका बैकग्राउंड में किसी को भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए आपकी पार्टिसिपेंट की उसमें. तो जो भी ऑब्स्टेकल्स है उनको रिमूव करिए. कैमरा फ्रेम्स को देखिए आप पहले स्टार्ट और ज्वाइन करने से मीटिंग की, कैसा बैकग्राउंड दिख रहा है, क्या कोई ऐसा आइटम है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है. अब बात आती है यूज प्रॉपर इल्यूमिनेशन. अब ये इल्यूमिनेशन क्या है, यानी कि प्रॉपर लाइटिंग आपको करनी चाहिए, प्रॉपर क्लियरिटी होनी चाहिए. प्रॉपर लाइटिंग होगी, प्रॉपर क्लैरिटी होगी, आपकी पिक्चर अच्छे से दिखनी चाहिए. आप यानी कि अंधेरे में बैठे हैं, तो एक प्रॉपर लाइटिंग और प्रॉपर अच्छे तरीके से मीटिंग होनी चाहिए जैसे कि एक प्रोफेशनल होती है. तो व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड अ वीडियो कॉल, इट इज नेसेसरी टू चेक दैट यू आर सिटिंग इन प्रॉपर लाइटिंग. ए ब्राइट लाइट इन द बैकग्राउंड कुड कंफ्यूज योर वेबकैम एंड मेक यू लुक डार्कर इन द वीडियो. ये भी नहीं कि ज्यादा ही ब्राइट लाइट हो, ये भी नहीं कि ज्यादा डिम हो, ठीक ठाक लाइट होनी चाहिए जो आपका एक एक्सपीरियंस अच्छा दे. You should also take care of camera angle. Camera angle आपको देखना है, आपका posture आपको देखना है, आप कैसे video conference में बैठे हैं. Camera है जो आपका वो appropriate position पे होना चाहिए, जो है कि आपका participant की तरफ आपका face हो, इस तरीके से उनको दिखिए. Your posture, आप कैसे बैठे हैं वो आपका होनी चाहिए. Attentiveness होना चाहिए, यानी कि आप lazy बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं या आप sleepy feel कर रहे हैं, आप इस तरीके का नहीं होना चाहिए. तो आपको avoid करना है आप sitting या लेटे हुए हैं video call पे. ट्राई टू सिट स्ट्रेट और एनर्जेटिक आपको दिखना, स्ट्रेट दिखना आपका फेस बिल्कुल कॉन्फ्रेंसिंग ऐप में दिखना चाहिए. ड्रेस अप्रोप्रिएटली. माना कि हम वर्क फ्रॉम होम है, अब ये नहीं कि हम लोअर टी शर्ट में बैठ के पहन के बैठ जाए ड्रेस मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. यू शुड अपीयर गुड, आपको ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए. इफ यू हैव टू अटेंड अ मीटिंग एट योर ऑफिस, यू विल नॉट बी गोइंग इन शॉर्ट एंड टीज, राइट. तो सेम यही कॉन्सेप्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंस. आप कर तो रहे प्रोफेशनल काम ही ना, आप कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, आप कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम ही, तो कुछ रूल अप्लाई होती है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी. आपको ड्रेस अप प्रॉपरली होना है कोई भी मीटिंग अटेंड करने से पहले. तो ये आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से करना. यूज प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटिकेट्स. कुछ टिप्स होती हैं वीडियो एडिकेट्स. अब ये नहीं अब इन तरीके से, जैसे ये एग्जांपल दिखाए गए, आप इस तरीके से तो नहीं बैठेंगे. एक स्लीपी लग रही है, एक कुछ अलग ही मूड में लग रही है, तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए. आपके कुछ एडिकेट्स है सिंपल कि आप इट इज रियल लाइफ में हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो, एडिकेट दोनों में ही नेसेसरी है. सेट ऑफ रूल्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टाइम, चाहे आपकी प्रोफेशनल हो और प्रोडक्टिव हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीटिंग विल बी, इफ द मीटिंग विल बी रिकॉर्डेड देन ऑल पार्टिसिपेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड बिफोर इट स्टार्ट. अगर आप मीटिंग को रिकॉर्ड करने वाले तो आप पहले ही बता दो, ताकि जो पार्टिसिपेंट है वो उसी तरीके से पार्टिसिपेट करे. दिस वे दे कैन अवॉइड हैविंग एनी पर्सनल कन्वर्सेशन वंस दे जॉइन द मीटिंग. तो उसके केस में क्या हुआ कि कोई पर्सनल कन्वर्सेशन कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी. आप प्रोफेशनल ही रहेंगे, तो प्रोफेशनल अगर आपको पता है कि रिकॉर्ड होने वाले, तो आप जो शब्दों का चयन वो भी अच्छे से करेंगे. Another important thing क्या है रिमेंबर करने की, कि all the participant except one who is speaking should mute their mics. जो बोल रहा है बस वही अनम्यूट करे, बाकी सबको अपना माइक को म्यूट कर देना चाहिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो. आप कुछ भी करें अगर सबका माइक ऑन है ना, तो थोड़ी देर के काफी ही डिस्टर्बेंस हो जाती है. तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिस्टर्ब होंगे लोग स्पीकर में, वही आपकी आवाज दिखाई देगी और लिसनर्स को भी, और एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी. पूरा एक जो मीटिंग का पर्पज है वो सोल्व नहीं होगा. टाइम जोन मैटर से लोड. अब आपने मीटिंग तो स्टार्ट कर दी, आप मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज में करने वाले हैं, लेकिन आपने टाइम उसके अकॉर्डिंग डाला ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है आप किस. तो माना कि जैसे आपने इंडिया का टाइम डाला, आप यूएसए में ले रहे हैं, तो यूएसए वाले अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लेंगे. बट इट्स बेटर प्रैक्टिस कि आप भी तो उसको कन्वर्ट करके भेजिए, आप भी उस तरीके से उसको भेजिए कि लोगों को सर्च ना करना पड़े, उनको पता चल जाए अच्छा मेरे टाइम जोन के अकॉर्डिंग इस टाइम पे मीटिंग होने वाली है. तो या तो आप या आपका क्लाइंट, हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम देखना है. ये भी देखना है क्लाइंट के वहां पे क्या टाइम है, यानी आपने तो अपना दिन का टाइम देख लिया, क्लाइंट के वहां पे रात के 2 बजे, तो वो भी आपको चीज देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको मीटिंग सेट करनी है, राइट. तो आपको टाइम जोन्स आपको पता होनी चाहिए, ये आपको माइंड में रखना है. जब भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे मीटिंग, स्केड्यूल करेंगे कैलेंडर, एक कैलेंडर स्केड्यूल करें मीटिंग के साथ, ताकि उन लोगों को वो अप्रोप्रिएट रहे और उनको वो एड कर पाए अपने कैलेंडर में और उनको याद रहे, प्रोडक्टिविटी हैम्पर ना हो. तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है. तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा. किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं. इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए. अगली वीडियो में मिलेंगे नए टिप्स के साथ. थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर.